खैरपुर की तहसील कोट डीजी में हर तरफ खजूर के बागात दिखाई देते हैं। लज्जत से भरपूर खजूरें दीगर शहरों ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी एक्सपोर्ट की जाती हैं। अलबत्त हालिया बारिशों के बायस पैदावार मुतासर होने का खदशा है। गुलामुल्ला सयाल की रिपोर्ट। सिंधी बागात की सौगात, एक एक बाग में सैकड़ों दरख्त, हर दरख्त पर दर्जनों गुच्छे और हर गुच्छे में झूलती खजूरें। इन बागात का हुसन भी अपनी मिसाल आप है। यहाँ खजूरों की 200 से ज़ायद इकसाम पाई जाती हैं। कोट डेजी खजूरों की काश्त में नुमाया मकाम रखता है। यहाँ की लज्जत भरी खजूरें पाकिस्तान ही नहीं बैरून ममालिक भी एक्सपोर्ट की जाती हैं। बारिशें पड़ी हैं, उसमें काफी नुकसान हुआ है खजूर को। उसकी सर्वे हमने कराई है, तकरीबन 40% से ज्यादा नुकसान हो रहा है। हालिया बारिशों के बायस बाग मालकान शदीद तश्वीश में मुब्तला हैं। मौसम बरसात से पैदावार मुतासर होने का खदशा है। माहरीन कहते हैं अगर मजीद बारिशें हुई तो मुल्की बरामदात पर भी मनफी असरात होंगे। खजूरें हमारी तबाह हो गई हैं, नीचे जो है ना वो देख रहे हैं आप, जो है ना पूरी जो है ना वो गल कर गिर गए हैं सारे, जो है ना अभी कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। खजूरों की काश्त पर भारी अखराजात बर्दाश्त करना पड़ते हैं। ऐसे में फसल खराब हो जाए तो किसानों की साल भर की मेहनत और कमाई जाया हो सकती है। कैमरामैन सनाउल्लाह सयाल के साथ गुलामुल्लाह सयाल, न्यू न्यूज, कोट डेजी, खैरपुर। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।